एससी एसटी श्रेणियों के भीतर कोटे के अंदर कोर्ट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उपवर्गीकरण की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने तय किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए उपवर्गीकरण किया जा सकता है। 7 जजों की संविधान पीठ में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं। सीजीआई ने कहा कि 6 राय एक मत है, जबकि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताई है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में ऐतिहासिक साक्ष्यों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियां एक सजातीय वर्ग नहीं है। उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। साथ ही उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं करता है। अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को किसी जाति को उपवर्गीकृत करने से रोकता हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह नहीं है और सरकार पीड़ित लोगों को 15 आरक्षण में अधिक महत्व देने के लिए उन्हें उपवर्गीकृत कर सकती है। अनुसूचित जाति के बीच अधिक भेदभाव है। एससी ने चिनैया मामले में 2004 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण के खिलाफ फैसला सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी के बीच जातियों का उपवर्गीकरण उनके भेदभाव की डिग्री के आधार पर किया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में उनके प्रतिनिधित्व के अनुभवजन्य डेटा के संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है। ये सरकारों की इच्छा पर आधारित नहीं हो सकता। अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह नहीं है। सरकार पीड़ित लोगों को 15 आरक्षण में अधिक महत्व देने के लिए उन्हें उपवर्गीकृत कर सकती है। अनुसूचित जाति के बीच अधिक भेदभाव। एससी के बीच जातियों का उपवर्गीकरण उनके भेदभाव की डिग्री के आधार पर किया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में उनके प्रतिनिधित्व के अनुभवजन्य डेटा के संग्रहण के माध्यम से किया जा सकता है। ये सरकारों की इच्छा पर आधारित नहीं हो सकता। समझिए क्या है पूरा मामला। दरअसल पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में 50% वाल्मीकि एवं मजहबी सिख को देने का प्रावधान किया था। 2004 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। 2020 में एससी की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि वंचित तक लाभ पहुंचाने के लिए ये जरूरी है। मामला 2 पीठों के अलग अलग फैसलों के बाद 7 जजों की पीठ को भेजा गया था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टोरी हाउ।